हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंगला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं और मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था और इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 6 तक पढ़ा रखा हूँ दोस्तों, और प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1 से देखें, आपको टेंस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेंस में मैं प्रेजेंट टेंस लिया था और प्रेजेंट टेंस में मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस का मैंने फार्मूला बता दिया हूं, उस पर कुछ उदाहरण भी बताया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ा रहा था टेंस, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ा रहा था टेंस, और टेंस में मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण देखने वाले हैं, ठीक है। यहां से आपको हेडिंग लगा लेना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। और यहां पर लगा देना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। और इसकी हिंदी क्या होती है आपको पता है, इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। मैंने ये सब लिखवाया हूं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। सूत्र में सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद दोस्तों सहायक क्रिया आती है, ठीक है। सहायक क्रिया, तो आप सहायक क्रिया लिखेंगे, कर्ता धन सहायक क्रिया डू या डज, ठीक है। इसके बाद नाट आता है, कर्ता धन सहायक क्रिया धन नाट, धन मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया धन कर्म धन अन्य बातें, ठीक है, अन्य बातें। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो सूत्र होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद नाट, इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद कर्म, फिर लास्ट में अन्य बातें, ठीक है। तो लेते हैं वाक्य, यहां पर आपके बताते हैं, तो उदाहरण लेते हैं भाई। सबसे पहला नंबर आता है कर्ता का, दूसरा नंबर सहायक क्रिया का, तीसरा नंबर नाट का, चौथा नंबर मुख्य क्रिया का, पांचवा नंबर कर्म का, इसके बाद जो रहता है उसे हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर एक लेते हैं और आपके बताते हैं, उदाहरण नंबर पढ़ा लेते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, लिखिएगा, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, ठीक है, नहीं करता हूं। तो आपके सामने मैंने वाक्य लिख दिया है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। तो सबसे पहले इस वाक्य को कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कर्ता का नंबर आता है, तो इस पूरे वाक्य में आपके कर्ता नहीं आए, तो कर्ता इस वाक्य में आपके नहीं पता चला है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके बताया था कौन का प्रश्न करिए, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कहलाएगा, मेरे भाई वही कर्ता कहलाएगा। तो मैं प्रश्न करता हूं, कौन अपना पाठ याद नहीं करता है,
कौन अपना पक्ष याद नहीं करता। उत्तर में क्या रहा है? मैं। क्या रहा है? मैं, यानी करता क्या हुआ? मैं। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आई बहुवचन करता के अंतर्गत आता है, तो साय की एक का लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आई डू, पहला नंबर करता हो गया, दूसरा नाम साय की लगा दिया, तीसरा नंबर नैट आता है, तो यहां पर नैट लिखेंगे। तो नैट मतलब यहां नहीं है, तो इसके अंग्रेजी क्या होगी? नैट होगी। चौथा नंबर किसका आता है? मुख्य क्रिया का, ठीक है, मुख्य क्रिया याद करना। मुख्य क्रिया क्या है? याद करना। तो दोस्तों यहां से आपको लिखेंगे याद करना का मीनिंग लर्न, यानी ई ए आर लर्न, तो बनेगा आई डू नॉट लर्न। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपना की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी जब भी आए वाक्य में अपना अपनी आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी हम कर्ता के अनुसार लिखते हैं, कर्ता के अनुसार लिखते हैं, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार यहाँ आई है, तो अपना की अंग्रेजी माई होता है, ठीक है, अपना पाक तो माई नेशन। उम्मीद है कि यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेगा, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई डू नॉट लर्न माई लेसन। आप कैसे पहचानिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिटिव का नेगेटिव सेंटेंस है? तो लास्ट में देखिए ता हूं लगा है ना, लास्ट में ता हूं लगा है, मतलब ये दर्शाता है प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस का वाक्य है, ठीक है, और नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? तो लेते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है, तो उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं भाई। उदाहरण नंबर दूसरा है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, ठीक है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ठीक है। तो इसका बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सूत्र देखिए, कर्ता ढूंढना है, तो कर्ता दे का अंग्रेजी क्या होता है? दे होता है। इसके बाद सहायक क्रिया दे बहुवचन है, जब दे बहुवचन है तो सहायक क्रिया आपको क्या लगाना है? डू लगाना मेरे भाई, डू, दे डू। नॉट है, तीसरा नंबर का है, नॉट है, नॉट लगा दो। नॉट कब लगाएंगे? जब इसमें नहीं है, नहीं आया है, इसलिए आपको नॉट लगाना है। मुख्य क्रिया खेलना, तब प्ले हो जाएगा। और इसके बाद कर्म का नंबर आता है, तो भाई कर्म क्या है लास्ट में? हॉकी, ठीक है, प्ले हॉकी। हॉकी की स्पेलिंग क्या लिखते हैं आप? याद रखिएगा हॉकी की स्पेलिंग जो बनेगी दोस्तों, हॉकी की जो स्पेलिंग होगी एच ओ सी के वाई, ठीक है, सी के ई वाई, ठीक, फुल स्टार। तो वे हॉकी नहीं खेलते हैं, इसका बनेगा दे डू नॉट प्ले हॉकी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं और आपके बताते हैं, अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। अगला वाक्य लेते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह एक पत्र, एक पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। तो अगला वाक्य हुआ, एक पत्र नहीं लिखता है, तो सबसे पहले से मुझे पता करना है कि कर्ता क्या है। तो कर्ता पता करने के लिए मैं आपके बताया था भाई, कोई भी वाक्य हो, यदि आपके कर्ता पता करना है तो आप सदैव कौन का प्रश्न करिए, ठीक है। तो कौन का प्रश्न मैं कर रहा हूं? कौन एक पत्र नहीं लिखता है, वह उत्तर में क्या रहा? वह, तो वह कर्ता हुआ। तो सूत्र में सबसे पहले कर्ता का नंबर, तो ये लिखेंगे, ठीक है। शायद क्रिया ढूंढेगा कि डज, कर्ता के अनुसार कर्ता एक बचन है, तो भाई डज लगेगा, कर्ता एक बचन है, डज लगेगा, तो ही डज, ठीक है। तीसरा का नंबर नॉट है, तो नॉट लिखना मुख्य क्रिया, तो राइट माने लिखना होता है, डब्ल्यू आर आई टी, राइट, ठीक है, राइट। एक पत्र अ लेटर, याद रखेगा अ लेटर, ठीक। तो ये भी क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। वह एक पत्र नहीं लिखता, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों ही डज नॉट राइट लेटर। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आपके आ रहा होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कुछ उदाहरण और आपके बता रहे हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर तीन हो गया, इसे मिटाते हैं, और उदाहरण नंबर चार आपके बताते हैं।
तो उदाहरण नंबर चार लेंगे हम यहाँ पर और आपके बताएंगे, ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से, उदाहरण नंबर चार ध्यान से आपको देख रहा है, ठीक है? उदाहरण नंबर चार कर रहा है, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे सीता एक मधुर गाना, एक मधुर गाना, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, नहीं गाती है, ठीक है? तो एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके समझ में आएगा वाक्य, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। तो भाई आ गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर है? तो सबसे पहले किसका नंबर आता है, फार्मूला याद कर लीजिए भाई, कर्ता सहायक क्रिया, कर्ता धन सहायक क्रिया, धन लाभ, धन मुख क्रिया, धन कर्म, धन अन्य बात, यही होता है मेरे भाई, यही होता है। तो कौन मधुर गाना नहीं गाती है, उत्तर में क्या रहा, सीता, सीता क्या हुआ भाई, कर्ता। इसका बनेगा भाई सीता, सीता एक वचन है, जब एक वचन है तो आपको डज लगाना है, आपको डज लगाना है भाई, डज लगाना है आपको, सीता डज, नाट यहाँ लिखा है तो नाट लिखेंगे, नहीं है नहीं के बदले नाट लिखेंगे भाई, सीता डज नाट गाती है, सीन होगा। और याद रखना एक मधुर गाना, तो भाई एक मधुर गाना का क्या होगा, ए स्वीट सॉन्ग होगा, एक मधुर गाना ए स्वीट सॉन्ग, लिखेंगे ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है? तो ये वहां बनेगा, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, इसका अंग्रेजी में बात करेंगे आप, सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। मैंने कैसे कंप्लीट किया, इस फार्मूले की सहायता से कंप्लीट किया, इसलिए आपको ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है? अब लेते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, पांच लेते हैं और आपके बताते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है? उम्मीद रखता हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? उदाहरण नंबर पांच लेते हैं भाई, उदाहरण नंबर पांच में क्या करा, ध्यान दीजिएगा, तुम सब स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है? तुम सब स्कूल नहीं जाते हो, एकदम मजेदार वाक्य है भाई, तुम सब स्कूल नहीं जाते हो, इसमें कर्ता आपके पता करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कौन का प्रश्न करिए, कौन स्कूल नहीं जाता है, तुम सब, तो तुम सब कर्ता हो गया, और सूत्र में सबसे पहले कर्ता का नंबर आता है तो भाई लिखेंगे यू, ठीक है? दूसरा का नंबर सहायक क्रिया कहता है, भाई सहायक क्रिया क्या है, रू तथा डज, तो कर्ता क्या है, बहुवचन है, जब कर्ता बहुवचन है तो हम कौन लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो इसका लिखेंगे यू डू, ठीक है? इसके बाद नंबर आता है नॉट, नहीं है, इसके बाद जो नॉट होगा यू डू नॉट, फिर मुख क्रिया जाना तो गो जाना, स्कूल गो टू स्कूल, ठीक है? तो ये पूरा कंप्लीट बनेगा, तुम सब स्कूल नहीं जाते हो, इसका अंग्रेजी में बताएंगे आप यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। एक वाक्य और लेते हैं, आपको बता देते हैं, उदाहरण नंबर छह लेते हैं, ठीक है? उदाहरण नंबर छह क्या कर रहा है, हम अपनी, ठीक, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगला वाक्य आ गया, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कर्ता ढूंढना आपके, तो कौन का प्रश्न करिए, कौन का प्रश्न करने ये जो उत्तर में है वही कर्ता करेगा, तो यहां से बताएंगे हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, कौन अपनी किताबें नहीं पढ़ता है, हम, उत्तर में क्या आ रहा है, हम, यानी कर्ता हम है, ठीक है? तो कर्ता सूत्र में सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो भाई कर्ता अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे, हम का अंग्रेजी भी होता है, यहां भी लिख दिया, साइकिल का नंबर है डू लगेगा दस, तो कर्ता बहुवचन है इसलिए यहाँ डू लगेगा, वी डू नंबर क्या है, नॉट का, नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे आप, वी डू नॉट। इसके बाद किसका नंबर है, मुख क्रिया, तो इस वाक्य में आपके ढूंढना है कि मुख क्रिया क्या है, तो भाई लास्ट में मिलेगी,
मुक्त क्रिया हमेशा लास्ट में ही मिलती है। और है ना, वी डू नॉट रीड, आर ई डी, रीड, ठीक है। और अपनी किताबें, तो भाई अपनी, अपना का अंग्रेजी मैं आपको बताया था, अपना अपने की अंग्रेजी हमेशा कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, ठीक है। तो कर्ता बहुवचन है और इसकी अंग्रेजी भी होती है, भी रहेगा तो अपना की अंग्रेजी अथवा अपने की अंग्रेजी, और लिखेंगे क्या लिखेंगे, और यहाँ किताबें तो बुक्स लिख दो, क्या लिखोगे आप, बुक्स, क्योंकि एक किताब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी किताब की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, इसका अंग्रेजी बनाएंगे, वी डू नॉट रीड अवर बुक्स, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपके प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का आज की वीडियो में मैंने उदाहरण बता दिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो इसका कुछ और उदाहरण आपके बता देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।